गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मेरी छुट्टियों का लास्ट सेकेंड डे और ये बच्चे चमचम वाले जूते पहन के हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि आज हम फिर से जा रहे हैं घूमने। तो मेरी रोज़ घूमने वाली चेन को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर से आज निकल पड़ी हूँ एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं जब रास्ते में जा रही थी तो यहाँ बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए थे, तो इनको तो देख के मन में यही आता है कि जय हिंद। तो मैं जहाँ पर जा रही हूँ उसके बारे में मैं अभी बाद में आपको बताऊँगी। तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है, तो रास्ते में मुझे मिली यमुना नदी, जहाँ पे लोग वहाँ पे उसमें कॉइन्स फेंक रहे थे और अपनी विश मांग रहे थे ताकि उनकी विश पूरी हो सके। तो जहाँ के लिए मैं निकली थी फ़िलहाल मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। जो लोग यहाँ पे गए हैं या फिर दिल्ली शहर में रहते हैं वो तो जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अक्षरधाम मंदिर की, जो कि दिल्ली का नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये गिनीज में भी रिकॉर्ड है ये। तो बात करें इस मंदिर की, इसका पूरा नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। इस मंदिर की स्थापना स्वामी नारायण जी की श्रद्धा में हुई है। इस मंदिर का निर्माण सन 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2005 में ये बन के पूरा हुआ है। पूरे 5 साल लगे थे इस मंदिर को बनने में और 30 करोड़ घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा हुआ है इसको बनने में। इस मंदिर की बात करें तो इसमें 30,000 से भी ज़्यादा मूर्तियां हैं स्वामी जी की और आचार्य जी की और सारे देवी देवताओं की। तो ये बहुत ही धार्मिक मंदिर है। हम वहाँ पे गए थे तो अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, अभी मैं वहाँ से बाहर निकल आई हूँ, रात हो गई है। तो मैं बताती हूँ इस मंदिर के बारे में कि मैंने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने यहाँ पे हम एंटर किए तो हमारा फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो गया। वैसे हम गाड़ी से गए थे तो हम रख के गए थे, वरना यहाँ पे फ़ोन वगैरह जमा होता है। हमने एक टिकट्स ख़रीदी। अगर आपको फ्री में घूमना है, अगर आपको कोई शो नहीं देखना है यहाँ पे, तो कोई चार्ज नहीं है, कोई टिकट्स नहीं लगेंगे। यहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, वाटर शो होता है, अगर आपको वो सब देखना है तो यहाँ पे उसके टिकट लेने पड़ते हैं, चार्जेस लगते हैं। तो मैंने तो चारों शो देखा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम गए एग्जीबिशन में, पहला हॉल था सहजानंद जी की। सहजानंद जी के बारे में बताया गया था, उन्होंने ये बताया कि आप ही अपने जो आपका ज़िंदगी होता है उसके आप खुद ही निर्माता होते हो, खुद ही डिस्ट्रॉयर होते हो, आप अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हो, खुद ही डिस्ट्रॉय करते हो। जो सेकंड एग्जीबिशन था वो था नीलकंठ जी की जीवनी के ऊपर, इस जो कि बाद में चल के स्वामी नारायण जी कहलाए। तो उनकी जीवनी के ऊपर वहाँ पे पूरी वीडियो थी कि कैसे इन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया था लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। मात्र 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ जाएंगे, देखेंगे तो आपको बहुत ही सीख मिलेगी इनकी जीवनी से। उसके बाद हम गए थर्ड एग्जीबिशन में, तो जो थर्ड एग्जीबिशन था वो था बोट राइडिंग का, उसको हम संस्कृति भी शायद ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल में जितने भी स्टेजेस हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो सब यहाँ पे झांकियाँ दिखाई हुई थी। पानी में बोट चलती रहेगी और उसके किनारे किनारे बहुत सारी झांकियाँ लगी हुई हैं, चाहे वो सुश्रुत हों, आर्यभट्ट हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम का ये विमान हो, चाहे विक्रमादित्य हो और चाहे मीराबाई कबीरदास जी हो, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, सबकी झांकियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। मुझे तो सबसे अच्छा यहाँ पे बोट राइडिंग ही लगी थी। और उसके बाद हम गए, तो ये एग्जीबिशन शो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हम गए मंदिर में। मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी थी। जो वहाँ के पिलर्स थे वहाँ पे भी भगवान जी की मूर्तियाँ बनाई गई थी, पत्थरों के अंदर बनाई गई थी। बहुत सुंदर मंदिर था। उसके बाद हम निकलते हैं तो हमारा वाटर शो शुरू होता है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए थे यहाँ पे इस पूरे मंदिर को देखने के लिए। वाटर शो स्टार्ट हुआ तो मतलब इसमें क्या है कि प्रोजेक्टर की हेल्प से, लेज़र लाइट और बहुत सारी लाइट्स की हेल्प से वाटर के ऊपर शो दिखाया जाता है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और वो जो वाटर की हल्की हल्की छींटें आपके ऊपर आती हैं ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। तो बात करें सारे शो की, तो मुझे उसमें से जो बोट राइडिंग था वो बहुत अच्छा लगा। तो अभी कभी भी आप यहाँ पे आइएगा तो मंदिर ज़रूर विज़िट करिएगा।
मस्ट है। तो अभी हो चुकी है रात, इसी के साथ बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।